तो दोस्तों, आज तक 2021 में हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं, तो उन सब में से मैं आपको 21 वीडियो यहाँ पर दिखाऊंगा जो कि आप सबने पसंद किया है, ज़्यादा पसंद किया है। तो पहला वीडियो जो आता है, यह है आपका वोल्ट मीटर जो कि डीसी एंड एसी दोनों को मेजर कर सकता है। तो जिसे मैंने एमडीए बोर्ड का इस्तेमाल करके बनाया था, और यहाँ पर मैंने कुछ डायोड, कुछ कैपेसिटर एंड कुछ सेवन सेगमेंट डिस्प्ले का मैंने इस्तेमाल किया है। ठीक है, अगर आप इसका पूरा मेकिंग वीडियो देखना चाहते हो और इसे बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आप चैनल पर जाकर के सारा वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायोड को रेक्टिफायर बना रहा हूँ, यानी कि सॉरी, डायोड को मैं ब्रिज रेक्टिफायर बना रहा हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे कुछ कैपेसिटर वगैरह और डिस्प्ले। ठीक है, और इन सब के बाद ये एक वोल्ट मीटर बन के रेडी हो जाएगा जो कि आपको डीसी एंड एसी दोनों मेजर करके बताएगा। तो मैं आपको मेजर करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पर। दोस्तों, मेरे जो चैनल है, यहाँ पर मैं नए नए वीडियो लेके आता रहता हूँ रोजाना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पर मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है जो 12 वोल्ट का है, और हमें पता है 12 वोल्ट यहाँ पर आपको एसी मिलेगा। तो ये देखिए, यहाँ पर ये एसी वोल्टेज आपको शो कर रहा है, और डीसी आप इस तरह से मेजर कर सकते हो। तो हमारा सेकेंड में जो आता है, ये एक इलेक्ट्रिकल पटाखा है। ठीक है, जिसे आप घर पर बना सकते हो, और इलेक्ट्रिकल के सप्लाई के द्वारा आप इसे फोड़ भी सकते हो। ठीक है, और तीसरे नंबर पर जो आता है, ये आपका एक डेंसिंग लाइट है जो कि आप घर पर आसानी से बना सकते हो। ये दोस्तों 2 वे का, यानी कि यहाँ पर आपको दो तरह का इफेक्ट मिलने वाला है, और यहाँ पर आप 2000 का वो लोड भी ले सकते हो, जिससे आप बनाने के लिए सिंपल एक रिले, एक ट्रांजिस्टर, दो तीन रजिस्टर का इस्तेमाल करके आप इसे आसानी से बना सकते हो। आता है आपका एक ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड, जिसको कि आप बहुत ही आसानी से अपने घर पर बना सकते हो कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करके। जी हाँ दोस्तों, इससे हमने कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करके ही बनाया है। अगर आप इसका पूरा मेकिंग वीडियो देखना चाहते हो, तो ये वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, ये एक हाई स्पीड सोल्डरिंग आयरन है जो कि सिर्फ कुछ ही सेकेंड में हीट हो जाएगा। ठीक है, और यह आपका चलेगा सिर्फ मोबाइल चार्जर पर, यानी कि 5 वोल्ट पावर सप्लाई से यह आपका चल जाएगा। ये एक मैजिक पेंसिल, जिसे हम बनाएंगे सिर्फ पेंसिल और एक 100 वाट का बल्ब को इस्तेमाल करके, जिसके मदद से आप कहीं पर भी कुछ भी लिख सकते हो जो कि कभी भी नहीं मिटेगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक बार लिखने के बाद वो कभी भी नहीं मिटने वाला है, तो इसलिए इसका नाम है मैजिकल पेंसिल। उसके बाद आता है हमारा 7 नंबर पर एक डांसिंग रोबोट। ये एक आर्डिनो डांसिंग रोबोट है जो कि काफ़ी सारे मोड पर ये डांस कर सकता है, और म्यूजिक के साथ भी ये डांस कर सकता है। तो आपने वीडियो देखा ही होगा। तो उसके बाद आता है दोस्तों, जो कि हमने रिसेंट अपलोड किया था, ये एक वीडियो कि कैसे आप LED को बिना कोई बैटरी के, बिना कोई मल्टीमीटर के चेक कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर आपका इलेक्ट्रिकल सप्लाई मौजूद है, वहाँ पर आप इसे लगा करके चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं ट्रिक 1 बता रहा हूँ, LED बल्ब के कवर पर लगाकर आप इसको चेक कर सकते हो, क्योंकि जो कवर है वो है एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम पर लीकेज करंट आता है, जिसकी मदद से आप LED को भी चेक कर सकते हो, जो कि मैंने रिसेंटली अपलोड किया था। आप ये वीडियो देख करके वहाँ पर अच्छे से समझ सकते हो कि यहाँ पर LED को हम कैसे अच्छे से चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपने काफ़ी सारा प्यार भी दिया था आपका। और 9 नंबर पर आता है हमारा एक ऑटोमेटिक पार्किंग कार, जो कि आपका ऑटोमेटिकली डिस्टेंस मेजर करेगा, पार्किंग का डिस्टेंस कितना है, और ऑटोमेटिकली अपने हुई कोई एडजस्ट करेगा। एडजस्ट करके ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर पार्क हो जाएगा, जो कि आजकल के काफ़ी सारे हायर टेक्नोलॉजी के जो व्हीकल आता है, उसके अंदर ये भी आ रहा है। ठीक है, तो इसे आप घर पर भी आसानी से बना सकते हो। तो इसका भी वीडियो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हो। तो जो आता है हमारा 10 नंबर का, ये दोस्तों एक ग्लू गन, जिससे आप घर पर आसानी से बना सकते हो सिर्फ एक पेंसिल का इस्तेमाल करके। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमने सिर्फ एक पेंसिल का इस्तेमाल करके इस ग्लू गन को बनाया है। ओके, और ये जो ग्लू गन है, बहुत ही अच्छे से मार्केट पर जो हाई क्वालिटी का ग्लू गन मिलता है, उसी की तरह ये वर्क करने वाला है। और ये जो ग्लू गन है, ये आपका 5 वोल्ट से काम करता है। ठीक है, यानी कि आप इसे मोबाइल चार्जर भी चला सकते हो। 5 नंबर पर आता है, सॉरी 11 नंबर पर आता है आपका एक मल्टीमीटर, जो कि बोलने वाला मल्टीमीटर। जी हाँ दोस्तों, ये बोलने वाला मल्टीमीटर, ये आपको बोल के बताएगा कौन सा कंपोनेंट ठीक है, कौन सा कंपोनेंट खराब है। ठीक है, जिसके जरिए आप काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को यहाँ पर चेक वगैरह कर सकते हो। तो इसके लिए हमने एक साउंड मॉड्यूल का इस्तेमाल किया है, एक स्पीकर का इस्तेमाल किया है, और कुछ वोल्टेज रेगुलेटर, कुछ पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया है।
और ये हमारा एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि साइंस एग्जीबिशन में पहले नंबर पर आया है ये, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका एक सेफ्टी डिवाइस है, यानी कि स्कूल एरिया में जो व्हीकल जाता है वो अपने एक लिमिट स्पीड पर चला है, तो इसलिए ये प्रोजेक्ट है। स्कूल एरिया में गाड़ी चला रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है, घंटे के स्पीड में चलाए वरना इंजन बंद कर दिया जाएगा। तो आप जरा ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है ये। स्कूल एरिया में गाड़ी चला रहे हैं, कृपया गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड में चलाए वरना इंजन बंद कर दिया जाएगा। तो 13 नंबर पर ये जो प्रोजेक्ट है ये दोस्तों आपका वाटर को बचाएगा, यानी कि ये ऑटोमेटिकली एक वाटर टैंक कंट्रोलर है, जब भी आपका वाटर टैंक भर जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली मोटर को ऑफ़ कर देगा, और दोस्तों ये मैनुअल भी ऑपरेट हो सकता है, यानी कि आप मैनुअल इसको ऑन भी कर सकते हो, तो इसलिए यहाँ पर आपको एक सिलेक्शन स्विच मिलता है जिसके ज़रिए आप इसे मैनुअली भी ऑफ़ कर सकते हो और मैनुअली भी आप इसे ऑन कर सकते हो, और ये जो ऑटोमेटिकली भी वाटर को चेंज करके ऑन ऑफ भी हो सकता है, ठीक है। ये कॉम्बो है, यानी कि मैनुअल एंड ऑटोमेटिक कॉम्बो वाटर सेविंग डिवाइस है, तो इसे आप बनाइए और अपने घर पर इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। और दोस्तों इसे बनाने के लिए आपको बहुत ही कम कंपोनेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हो। तो इसका वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाइए देखिए और इसे अपने घर पर बनाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है बनाने में तो आप मुझे कॉमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो जो आता है हमारा 14 नंबर पर, ये दोस्तों एक डेंसिंग LED लाइट, जिसे आप बना सकते हो NA555 टाइमिंग आइस को इस्तेमाल करके, ठीक है। यहाँ पर एक IC और कुछ रजिस्टर कैपेसिटर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छा इफेक्ट वाला एक डेंसिंग LED लाइट आप घर पर बना सकते हो। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट यहाँ पर इसका निकल कर आता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 LED को इस्तेमाल किया है, आप यहाँ पर काफ़ी सारे LED को भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पर ये दिख रहा है, ओके। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना और कॉमेंट भी करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो अभी आता है हमारा 15 नंबर का, जो कि हमारा एक सेंसर है दोस्तों, जी हाँ, ये आपका एक वाटर सेंसर यानी कि ये एक रेन सेंसर है। अगर आप इसे मार्केट से खरीदोगे तो ये आपको 100 रुपये के अंदर आता है, लेकिन अगर आप इसे घर पर बनाओगे तो ये आपका 3 से 4 रुपये के अंदर बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपको वाटर को सेंस कर सकते हैं, जिसे आप वाटर अलार्म की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि एक रेन अलार्म तरह का भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज हम एक 9 वाट का LED बल्ब को मॉडिफाई करके कुछ अलग सा बनाने जा रहे हैं, जिसमें क्या होगा, कुछ फायर सेंसर होगा और स्मोक सेंसर होगा जो कि फायर को और स्मोक को सेंस कर सकता है, ठीक है। तो आज हम इस LED बल्ब को कुछ मॉडिफाई करके अलग सा बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं 220 वोल्ट का सप्लाई देने वाला हूँ, और अभी चलिए हम यहाँ पर आग लगाते हैं। तो जैसे ही मैं फायर को इसके सामने लेके आता हूँ, बोझो चाहे बजना शुरू कर देता है, और जैसे ही इसके सामने से मैं इसको हटा लूँगा, अलार्म जो है बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पर आग लगता है तो यहाँ पर क्या होगा, धुआं तो ज़रूर ही निकलेगा, और ये क्या करेगा, उस धुएं को सेंस करने के बाद अलार्म बजाएगा। तो अभी 17 नंबर आता है, ये हमारा एक टच LED, जो कि आपका टच करने पर ये एक्टिवेट होगा, यानी कि टच करने पर ये जलेगा, और इसे आप स्विच के ज़रिए भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। ये दोस्तों एक रिचार्जेबल LED बल्ब है, जिससे आप आसानी से रिचार्ज भी कर सकते हो और इसे टच के ज़रिए एक्टिवेट भी कर सकते हो। तो ये है इसका चार्जर, ठीक है, जहाँ पर मैंने एक चार्ज कंट्रोल भी लगा हुआ है, और ये सोलर से भी चार्ज हो सकता है। और उसके बाद आता है एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट वाला एक डेंसिंग LED लाइट है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कितना अच्छा इफेक्ट यहाँ पर निकल करके आ रहा है, दिखने में दोस्तों ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, ओके। तो यहाँ पर मैंने 3 कलर का LED इस्तेमाल किया है, रेड ग्रीन एंड वाइट, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा दिखता है। और इसे आप बनाने के लिए एक ट्रांजिस्टर, एक RGB LED और 2 रजिस्टर का इस्तेमाल कर लीजिए, और ये आसानी से बनकर रेडी हो जाएगा, जिसे आप 9 वोल्ट से या फिर 5 वोल्ट से इसे आप ऑपरेट कर सकते हो, यानी कि आप इसे आसानी से अपने मोबाइल चार्जर से भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद 19 नंबर पर आता है हमारा एक DC मोटर कंट्रोलर, यानी कि हम यहाँ पर एक MOSFET का इस्तेमाल करके अपने DC मोटर को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 स्विच मिलेगा, एक है ऑन के लिए और एक है ऑफ के लिए, तो इसके ज़रिए आसानी से एक हाई करंट, हाई वोल्टेज DC मोटर का आप ऑपरेट कर सकते हो।
ठीक है, इसके लिए आपको कोई बड़ा स्विच की ज़रूरत नहीं होगा। और उसके बाद आता है हमारा 20 नंबर पर एक टच स्विच, जो कि आपका 220 वोल्ट को यहाँ पर आप टच के जरिए कंट्रोल कर सकते हो। टच करने पर ऑन हो जाएगा, टच करने पर ऑफ भी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप 220 वोल्ट को ऑपरेट कर सकते हो, और यहाँ पर आपको 1000 से ऊपर का लोड यहाँ पर आपको देने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, टच करते ही ऑन होता है और टच करते ही यहाँ पर ही ऑफ हो जाता है। तो देखिए, ये एक यू शेप का टर्निंग रोड है, तो क्या होता है कि इस तरह का जहाँ पर रोड होता है तो वहाँ पर एक्सीडेंट का चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको कुछ इस तरह का डेवलप किया है कि अगर एक साइड से यहाँ पर गाड़ी आ रहा है, ठीक है, तो अगर एक साइड से गाड़ी आ रहा है तो दूसरा वाला जो साइड है यहाँ पर रेड लाइट ऑन हो जाएगा, और यहाँ पर एक बॉजर भी बजने लगेगा ताकि इस वाले साइड को पता चल सके कि भाई उधर के साइड से गाड़ी आ रहा है, ठीक है। और अगर इस साइड से गाड़ी आ रहा है तो उस वाले साइड को भी पता चल जाएगा इस रेड लाइट और अलार्म की वजह से, ठीक है। और अगर यहाँ पर दोनों साइड से गाड़ी आ जाता है, देखिए, अगर यहाँ पर दोनों साइड से गाड़ी आता है तो यहाँ पर दोनों साइड में अलार्म बजने लगेगा, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डीले रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सिंगल पर इस तरह से बजेगा, और अगर डबल सेंसर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा तो इसका साउंड कुछ इस तरह का आएगा, ओके। और यहाँ पर हमने लगाया हुआ है, ये एक जनरेटर है, ठीक है, जो जब भी गाड़ी इसके ऊपर से गुजरेगा तो इसके ज़रिए क्या होगा, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, ठीक है। और ये इसका चार्जिंग स्टेशन है। यहाँ पर हमने कुछ स्ट्रीट लाइट भी लगाया हुआ है जो कि ऑटोमेटिक है, जब भी रात होगा ये ऑन हो जाएगा और जब दिन हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक LDR लगाया हुआ है, ठीक है, ये जो LDR है, तो जब भी यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा तो ये जो स्ट्रीट लाइट है ये यहाँ पर ऑन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, सारे स्ट्रीट लाइट जो है ये ऑन हो चुके हैं, और जैसे मैं यहाँ से हाथ हटाता हूँ तो इसके ऊपर लाइट गिरेगा। लाइट गिरने की वजह से ये जो Arduino है उसको पता चल जाएगा कि भाई अभी दिन हो गया है, तब क्या होगा कि सारे स्ट्रीट लाइट को